राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल यश चेतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ, चाहे वो ईश्वर से संबंधित हो या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल बात बताऊँ जिसको फॉलो करके हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाह रही हूँ जिसको हम सब जानते हैं पर हम सब ने उसको भूलना शुरू कर दिया। आज मैं आपको श्री कृष्ण से संबंधित एक वीडियो के बारे में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत फेमस है और वो बांसुरी आज तक भी चली आ रही है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बांसुरी बजाने के लिए। श्री कृष्ण की बांसुरी बच्चे भी पसंद करते हैं। एक बार की बात कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने पोते को एक बांसुरी ला कर दी। पोते ने बांसुरी ली और उसने कहा, दादाजी मुझे तो बजानी आती नहीं है। तो दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रोज़ जब स्कूल से वापस आओगे तो मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखा दूँगा। इस तरीके से कुछ दिन लगातार जब वो बच्चा स्कूल से वापस आता तो दादाजी उसको बांसुरी बजाना सिखाते रहे। इस तरीके से करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो बच्चे ने बहुत बढ़िया से बांसुरी बजानी सीख ली और वो बांसुरी बजाना उसने शुरू कर दिया। कुछ समय के पश्चात तो उसके दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो बच्चा परेशान, क्या करे। पर वो बच्चा जब वो उसको बांसुरी की प्रैक्टिस करनी होती थी तो वो क्या करता था, अपने दादाजी के पास बैठ जाता और बांसुरी की प्रैक्टिस करने लगता। ऐसे करते करते 15-20 दिन निकल गए। 15-20 दिन बाद जब डॉक्टर ने उसके दादाजी का दोबारा से चेकअप किया तो डॉक्टर वॉज सरप्राइज्ड, बोले योर दादाजी इज कम्प्लीटली ऑल राइट। जो मैं ये कह रहा था कि इनके बचने की कोई संभावना नहीं है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो सब हैरान कि ये क्या हुआ। तो डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कर रहे थे? तो उस बच्चे ने बताया कि हाँ, मैं दादाजी को डेली बांसुरी बजा कर सुना रहा था। तो अच्छा, मतलब बांसुरी का सर। एनीवेज, कुछ दिनों बाद में उस बच्चे को एक बात दिमाग में आई। उसने कहा, हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, वो बीमार चल रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मैं उनको भी बांसुरी बजा के सुनाऊं? हो सकता है मेरे बांसुरी बजाकर सुनाने से वो सब ठीक हो जाएं। तो वो बच्चा एक पेड़ के नीचे रोज़ जाके बैठ जाता और उन लोगों को बुला के ले आता जो बीमार थे। फिर धीरे धीरे और भी लोग आने शुरू हो गए और रोज़ एक घंटा बैठ कर उनको बांसुरी की धुन सुनाता। अब इधर क्या हुआ कि उस लड़के के माँ ने उनसे कहा कि बेटा, तुम रोज़ चले जाते हो वहाँ पर बांसुरी बजाते, बैठकर बांसुरी बजाते हो, तुम्हारी पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है। बोला, नहीं माँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने, पर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जब मेरे दादाजी बांसुरी सुनकर मौत के मुँह से वापस आ सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो बीमार बहुत ज़्यादा हैं, जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं उनको बांसुरी सुना रहा हूँ। हो सकता है मेरी बांसुरी सुनकर वो लोग मरने से बच जाएं, उनकी बीमारी ठीक हो जाए। तो उसकी मम्मी भी बोली, हाँ बात तो सही है। कुछ दिनों बाद में उसके माता पिता ने एक डॉक्टर लेकर आए और जो लोग वहाँ बांसुरी सुनते थे, 8-10 लोग बैठ कर, उन सबका चेकअप करवाया। एंड टू देयर सरप्राइज, वो सारे लोग ठीक हो गए। तो लोगों ने कहा, ये तो चमत्कारिक बांसुरी है। डॉक्टर ने कहा, नहीं, बांसुरी में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार है बांसुरी की धुन में, म्यूजिक में। इससे जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको हील करने में हेल्प कर रहा है। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा हीलर होता है। आप जब भी परेशान हों, टेंशन में हूँ, बीमार हूँ, तो म्यूज़िक ज़रूर सुनिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो
जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र, जैसे कि ओम का उच्चारण, जैसे कि श्री कृष्ण के भजन, ये सब, ये सारे के सारे म्यूजिक में होते हैं। इसीलिए वो म्यूजिकल धुन सुनाई जाती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन हीलिंग। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा, बहुत इजी हमें साधन मिल गया है ऐसे टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में हैं, तो हमें म्यूज़िक को अपना हीलर बनाकर और उसको यूज़ करना चाहिए। आई होप इट्स गोइंग टू हेल्प यू। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, सी यू सून।